हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली ब्लॉगर अनीता राव। के चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो ठीक है, अभी मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं ज़रा मंदिर की पूजा कर लेती हूँ। मंदिर में पहले मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पानी थोड़ा सा गुनगुना कर रही हूँ, क्योंकि आजकल अब हम अपने लिए भी थोड़ा गुनगुना पानी करके और तब नहाते हैं। तो ऐसे ही हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा गर्म पानी से नहलाना चाहिए हमें सुबह के टाइम पे। और थोड़ा पानी गर्म ज़्यादा हो गया था, इसलिए मिक्स कर रही हूँ उसे और चेक कर रही हूँ पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं लड्डू गोपाल जी को नहलाने। तो यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ हमने छोटे से लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, पहले मैं इनके वस्त्र जो है निकाल दूँगी। और आपको मेरा लड्डू गोपाल जी का रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर तो कर ही देना। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, हम मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को नहला, फटाफट हमने जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं वैसे ही दो मिनट में फटाफट करके नहला के हमें फटाफट से उनको कपड़े पहनाने हैं। ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है। ठीक है, जिन जिन के पास लड्डू गोपाल जी होंगे उनको तो पता ही होगा। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। अब मैं उनको हैंकी से थोड़ा लपेट के पोंछ लूँगी। जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को भी करना होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी नहा चुके हैं, उनका पानी मैंने एक तरफ। इस पानी से आप अपने घर में छिड़क दीजिए, जग कोने कोने में छिड़क देना चाहिए, यह अच्छा होता है। और अब देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। तो आज मैं उनको ये वाले रेड और ग्रीन वाले पहनाने वाली हूँ। अभी देखना हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लगेंगे। और अब मैं जो है राखी जो हमने रक्षाबंधन में कान्हा जी को पहनाई थी बांके बिहारी को, तो फिर वो राखी मैं हमेशा उनके पास जो उनको बांध के रखती हूँ उनके, ता उनसे निकालती नहीं हो। जैसे अब क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो बांध के नहीं रख सकते ना, तो जैसे नहलाते टाइम निकाल देती हूँ, फिर दोबारा जो है नहाने के बाद मैं फिर दोबारा बना देती हूँ। ये देखिए, और हम जो है अब लगा देंगे चंदन का टीका लड्डू गोपाल को। तो मैं जो है चंदन का टीका लगाती हूँ। कभी मैं इस तरह से पूरे माथे में उनका लगा देती हूँ, पूरा माथा भर देती हूँ और साथ के साथ खुद भी लगा लेती हूँ। अब हम पहनाएंगे उनको ये उनकी पगड़ी। पगड़ी बोलते हैं कि मुकुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे बताना कमेंट करके। ये जो है मुझे काव्य की दादी ने अभी इसी साल ही दिए हैं। मेरे पास भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप लोग भी मुझे कुछ बता सकते हैं कि हमें किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जितना मुझे उन्होंने बताया है काव्य की दादी ने, उस हिसाब से मैं करती हूँ। मुझे भी ज़्यादा कोई पता नहीं है अभी। बाकी मैं उनको मिश्री चढ़ाती हूँ, और आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। मैं उनको दूध देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि खाने में तो हम लहसुन प्याज जैसे खाते हैं, तो हम वो तो हम दे नहीं सकते उनको खाना। तो इसलिए हम देते हैं उनको दूध और मिश्री चढ़ाती हूँ मैं।
तो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, चलो हम उनको मंदिर में बैठा देते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही बैठाती हूँ। तो देखिए हमने बैठा दिए हैं और अभी दिखाती हूँ ये। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यही था आज का मेरा रूटीन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।